दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष चित समाधि देने वाला, प्रसन्नता पैदा करने वाला, उल्लास पैदा करने वाला, शांति प्रदान करने वाला और हमें हेल्थ के संबंधी टिप्स देने वाला, विवेक जागृत करने वाला, हमारी इंट्यूशन पावर को जागृत करने वाला, धर्म दर्शन के बारे में बताने वाला और मल्टी डायरेक्शनल कई दिशाओं के अंदर कार्य करने वाले क्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय गहराई लिए होता है और हर विषय के अंदर शोध परखता होती है। हर विषय जीवन के अंदर कुछ कुछ शिक्षा देता है और हर विषय एक व्यक्ति को सर्वांगीण जीवन जीने का तरीका बताता है। इसी क्रम के अंदर आज का हमारा बहुत बड़ा विशाल विषय है, अति संग्रह का त्याग। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अति संग्रह का अर्थ होता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम आवश्यकता से अधिक संग्रह करें तो वह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। उसके देखिए, आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु को संग्रह करने को ग्रीड कहा जाता है और हमारी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करना लाजमी है। उसकी पूर्ति के लिए हमारा शरीर है, परिवार है, हमारा देश है, हमारा समाज है, उन सब के लिए आवश्यकता होती है, तो हमारी नीड है। जैसे कि एक गाड़ी का होना एक परिवार के लिए नीड है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल होना, हर व्यक्ति के पास में टू व्हीलर होना और जितने मेंबर उसके अनुरूप हमारा घर होना, ये सारी नीड है जिससे हमारी बेसिक फैसिलिटीज, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये पूर्ति होती है। वो बेसिक नीड्स होती है और उसका जो हमें अनुपालना करना, उसका हमें भरण पोषण करना, वो हमारा दायित्व भी है और हमारी नीड भी है। लेकिन इससे बढ़कर जो हम संग्रह करते हैं वो ग्रीड कहलाता है। ग्रीड के अंदर देखिए, मकान एक की आवश्यकता है, 10 मकान ले दिए, एक व्यक्ति को एक मोबाइल सफिशियंट होता है, 10-10 मोबाइल रख रहा है, एक गाड़ी सफिशियंट होती है, 10-10 गाड़ी है, और कपड़े हैं वो 10 ड्रेस मान लो सफिशियंट होती है, 100-100 ड्रेसेज है, शूज को देख लीजिए और इस तरीके से हर चीज़ को देख लीजिए कि अपना शोध करने के लिए, अपना स्टेटस बताने के लिए, अपनी भौतिक समृद्धि बताने के लिए व्यक्ति संग्रह करता है। लेकिन इस संग्रह से क्या होता है, अहंकार को पुष्टि मिलती है और अहंकार जो है व्यक्ति का नाश करने वाला है। किसी भी कोण से व्यक्ति के भीतर अहंकार की भावना आती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना आती है और वो अपने आप को समाज के लोगों से बड़ा मानने लगता है, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पद का क्षेत्र हो, चाहे जो है व्यक्ति को जो है अपना धन का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति जो है अहंकारी होता है, अपने आप को बड़ा मानने लगता है और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करता है, उस दिन से उस व्यक्ति का जो है विनाश चालू हो जाता है। दूसरे शब्द में कहें कि विनाश काले विपरीतो बुद्धि, जो अहंकार है हमारा विनाश का जो है प्रारंभ कर देता है। इसीलिए ये सबसे बड़ा जो नुकसान जो अति संग्रह का है वो अहंकार का पोषण है। अब देखिए, अति संग्रह करने से उन सब चीज़ों की मेंटेन करनी पड़ती है, इतने डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं, चाहे कपड़े हो तो उतने कपड़ों के लिए हमें जगह चाहिए और उन कपड़ों के लिए ड्राई क्लीनिंग करानी पड़ती है, उन कपड़ों को जमा के रखना पड़ता है, उन कपड़ों के लिए जो है हमें संग्रह करने के लिए अलमारी वगैरह चाहिए, उसकी पूरी सुरक्षा की जाती है, कोई जानवर वगैरह खाने ले, कॉस्टली कपड़े होते हैं, तो इस तरीके से उसकी मेंटेनेंस जो है ना, अति संग्रह की मेंटेनेंस बहुत भारी होती है और वो व्यक्ति उस मेंटेनेंस के अंदर अपने जीवन को लगा देता है। हमारा जो जीवन, मनुष्य जीवन है, ये मात्र भौतिक समृद्धि के लिए नहीं है, ये भौतिक के साथ साथ में आध्यात्मिक समृद्धि के लिए है। वास्तव में तो अगर देखा जाए तो मनुष्य जीवन का सार यह है कि शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवाय इस संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। ये सबसे सर्वोत्तम जो है जीवन का उच्चतम स्थल है, जीवन का जो उच्चतम हमारी मंजिल है, अगर कोई व्यक्ति इसको धारण करे, अपनी शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं, परिवार की आवश्यकताओं पूरा न होने के बाद में वो समय जो है अपना ज्ञान में, ध्यान में, स्पिरिचुअलिटी में, इंटरनल वर्ल्ड में जावे, मेडिटेशन में जावे, परोपकार करे और अच्छी बातें पढ़े, लिखे और बोले,
ताकि लोगों को उसके अनुभव का सार मिल सके। ये जीवन का सार होता है। लेकिन संग्रह की प्रवृत्ति में जो व्यक्ति चला जाता है उसको और भी बहुत सी कठिनाइयां होती है। वह व्यक्ति डरा डरा रहता है सारे जीवन भर। उसका जो है समय डरने के अंदर ही जाता है। वो कभी उसको ये चिंता रहती है कहीं चोर डाकू जो है इन चीज़ों को जो है नहीं ले ले, ज्वेलरी है वगैरह है जो है हमारा पैसा है ये। और दूसरा क्या है कि उसको सरकार का भय रहता है। सरकार ये चाहती है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार हमारे को अपने संविधान में दिया गया है। संविधान भी ये कहता है कि भारत का हर नागरिक को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। और हमारा संविधान है सर्वोदय पर आधारित है। हर व्यक्ति को अपना उत्थान करने का, अपना विकास करने का जो है समान अवसर मिलना चाहिए। वो अवसर कब मिलेगा कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इसीलिए आज का हमारा एपिसोड कहता है कि अति संग्रह जो है उससे बचें, उसका त्याग करें। ये हर दृष्टि से हमें तकलीफ में डालने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी प्रसन्नता को लील जाता है, ये हमारे आनंद को लील जाता है। आनंद हमारी प्रॉपर्टी है, आनंद हमारा आत्मा का लक्षण है, आनंद हमारी आत्मा का करैक्टरिस्टिक है। उसको ये खाने लग जाता है, क्योंकि हम उसके अंदर ही 24 घंटे जीवन भर लगाते रहेंगे तो कब हम आत्मा की बात करेंगे और कब हम शांति को प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। उनके कौन कौन से तरीके हैं, उनको किस तरीके से जाएंगे। भीतरी जगत के अंदर हम जा ही नहीं पाएंगे, मात्र हम बाह्य जगत में जो हमारा सेंशुअल प्लेजर्स है, हमारा इंद्रियों का संसार है, उतने तक ही सीमित रहेंगे। और इसके अंदर पूरी जीवन है वो पूर्ति हो जाएगी। अब देखिए अति संग्रह के नुकसान क्या है। व्यक्तिगत तो उसको नुकसान है ही है, लेकिन हमारे दूसरे भाइयों को कितना बड़ा नुकसान है। एक व्यक्ति को एक मकान चाहिए और 10 मकान लेकर के बैठ जाता है। एक व्यक्ति को एक दुकान चाहिए और 20 दुकान लेकर के बैठ जाता है। एक व्यक्ति को 25 बीघा जो खेत चाहिए और 250 बीघा लेकर के बैठ जाता है। इसी तरीके से जीवन का हर क्रम, भोजन जितना उसको चाहिए उससे 10 गुना वो स्टोर करके रख लेता है। तो उससे अफेक्टेड कौन होता है, उससे अफेक्टेड जो हमारा दूसरा भाई है, जो हमारे देश में जीने वाला अफेक्टेड होता है। क्योंकि आज भारतवर्ष के अंदर 50% जनसंख्या है बिलो पॉवर्टी के लेवल पर है। 2 जून का खाने को भोजन नहीं मिलता है और वो फुटपाथ पर रहते हैं, वो रैन बसेरे में रहते हैं और सर्दियों के अंदर ठिठुरते रहते हैं। और व्यक्ति फालतू के जो है 10-10 मकान लेकर के बैठ जाते हैं। तो ये क्या असमानता पैदा करता है, ये डिस्पेरिटी पैदा करता है। ये हमारे समाज के अंदर गरीब अमीर की बहुत बड़ी खाई पैदा करता है। और ये खाई है जो आपस में घृणा पैदा करती है, क्योंकि जिसके पास में 2 जून की रोटी नहीं है वो जो ज़्यादा व्यक्ति जो धनवान होता है उसे घृणा करता है कि हमें तो भोजन नहीं है और ये भोजन को फेंक रहा है, वेस्ट कर रहा है और ये फालतू का एंजॉय कर रहा है और जिसकी कोई आवश्यकता नहीं उन चीज़ों का एंजॉय करके अल्टीमेटली व्यक्ति कंज्यूमरिज्म पर जाता है। व्यक्ति बहुत चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का भोग करने लग जाता है। तो ये भौतिक चीज़ें व्यक्ति को कभी तृप्ति नहीं देती है, ये अतृप्ति पैदा करती है। तो आग है, जैसे देखिए आग के अंदर लकड़ी डालते हैं तो ये आग बढ़ती रहती है, उस तरीके से ये भौतिक चीजों का जो ग्रीड है ये बढ़ती रहती। ग्रीड के लिए कहा गया है कि इस पूरे जो हमारी सृष्टि है, चराचर जगत है, इसके अंदर नेचर मान है जो है ऐसी व्यवस्था की है कि 84 लाख जीव योनि के असंख्य अनंत प्राणी हैं, उन सब के प्राणियों का भरण पोषण, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करने का इस सृष्टि में पूरी व्यवस्था है। लेकिन मनुष्य का लोभ, मनुष्य का अति संग्रह, मनुष्य की लालसा, मनुष्य का अटैचमेंट और मनुष्य की अति संग्रह की जो वृत्ति है, उसके लिए कहा जाता है कि पूरा सृष्टि की संपत्ति उसको दे दिया जाए फिर भी उसको धाप नहीं आती है, यानी वो संतुष्ट नहीं होता है। ऐसा भी कहा है गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। व्यक्ति को संतोष करना चाहिए। हम जब अपनी नीड्स को पूरा करते हैं और अति संग्रह से बचते हैं तो हमको संतोष आता है। संतोष हमें सुकून देता है, आनंद देता है, प्रसन्नता देता है और हम इतने प्रफुल्लित रहते हैं कि हमारे जीवन का सार निकल जाता है। भाई और बहनों, और दूसरी बात यह है कि अति संग्रह करने वाला व्यक्ति लोभी होगा। लोभी के लिए कहा गया है विषयी नर की लालसा पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज़।
किसी व्यक्ति को पाम रोग हो जाता है, वो तो वहां वहां पर खुजलाता रहता है, खून निकल जाता है, फिर भी वो खुजलाता रहता है कि उसमें उसको आनंद की अनुभूति हो, तो उसको अपना विवेक नहीं रहता है कि इस बीमारी से मेरा खून निकल रहा है, मेरी चमड़ी जो है उधड़ गई है, लेकिन फिर भी वो वहां पर करता, क्योंकि वो पाम रोग है। उसी तरह से विषय नर होता है, लोभी होता है, उसको कुछ नजर नहीं आता है, उसको तो मात्र संग्रह 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 नजर आता है, हीरे पन्ने माणक मोती बैंक बैलेंस ये वो सब संग्रह करना, क्यों कि वह जो है दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बनना चाहता है, धनाढ्य बनना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है, अपने अहंकार की तुष्टि करना चाहता है, अपने को बड़ा बताना चाहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमने अति संग्रह पे बहुत ज्यादा बात की, अब इसका त्याग किया जाना चाहिए। व्यक्ति जो संकल्प ले, प्रारंभ से ही बच्चे को ऐसे संस्कार मिलने चाहिए कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्रारंभ से जीवन में बच्चे को ये संस्कार, लोग तुम्हारी जो आवश्यकता है उसको आराम से पूर्ति करो, लेकिन तुम्हारा जीवन बहुत सादगी पूर्ण होना चाहिए, सादगी जीवन के, और विचार बहुत ऊंचे होने चाहिए, विधायक भाव होने चाहिए, व्यक्ति का जो है परोपकार की भावना होती है होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, अध्यात्म की भावना होनी चाहिए, दूसरों के साथ में सम्मान करने की भावना होनी चाहिए, अपने पड़ोसी के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में, समाज के लोगों को सबको सम्मान देने की भावना होनी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको वात्सल्य मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है वात्सल्य और प्रेम का भूखा है, और मनुष्य को जब प्रेम मिल जाता है तब वो बहुत आनंदित हो जाता है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कबीरदास जी ने कितना कहा है, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हो। प्रेम बहुत बड़ा रसायन है, वो हमें मिलना चाहिए। प्रेम कब मिलेगा? जबकि हमारा जीवन जो है सादगी पूर्ण होगा, हम संतोष का जीवन जिएंगे, और जो भौतिक समृद्धि की तरफ हमारी अटेंशन है ना, वो अटेंशन जा करके और हमारे मानवीय गुणों की तरफ आएगी, और हमें भीतर का स्पर्श होगा, आत्मा का स्पर्श होगा, उसके साम्राज्य का स्पर्श होगा, तो हम बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसी हमारी पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हम हर एपिसोड को जो है कसौटी पर कसते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एपिसोड, क्या ये विषय व्यक्ति को कुछ न कुछ नया देगा, व्यक्ति का उत्थान करेगा, समाज में बदलाव आएगा, समाज के लोगों को लाभ मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर 7 अरब की जनसंख्या अगर अति संग्रह का त्याग कर दे, तो इस समाज, इस पूरी विश्व के अंदर ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है अंकुरित हो जाएगी, और किसी को कोई कष्ट ना होगा, सभी प्रेम से रहेंगे, सौहार्द से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, और कंज्यूमरिज्म जो आज बढ़ रहा है उस पर रोक लगेगी, और आज हमारी जो सृष्टि जितनी पॉल्यूटेड हो रही है, चाहे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिससे कि हम पैदा होते हैं, जिससे कि हमारा भरण पोषण होता है, जिससे कि हमारा जीवन यापन होता है, और अंत में जब हम चले जाते हैं तो ये 5ों अपने आप पुनः इस सृष्टि के अंदर आ जाते हैं, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, और आकाश में चला जाता है, ये उसमें रोटेट होते रहते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और इनकी आवश्यकता पड़ती है, ये साइकिल चलती रहती है। भाई और बहना, इस सृष्टि को बचाना बहुत जरूरी है, और इस सृष्टि कब बच सकती है? अति संग्रह की भावना पर रोक लगानी चाहिए, और ये एक एनवायरनमेंट होना चाहिए हमारे समाज के अंदर, हमारे विश्व के अंदर, ये एनवायरनमेंट चलना चाहिए कि हम अति संग्रह क्यों करें, अल्टीमेटली किस लिए चाहिए, क्या मनुष्य अति संग्रह किया हुआ धन अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, आत्मा अजर है, अमर है, जो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उस व्यक्ति को यहाँ से जाना वो रिटर्न टिकट लेकर के आया है, और हमारा इस सृष्टि का नियम है कि हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, हमारा जो जन्म है वो एक संयोग है, लेकिन संयोग के दिन ही पहले दिन हमारे साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। जितना आयुष्य कर्म होता है, व्यक्ति 50, 70, 80, 100 वर्ष तक जीता है, और वह इस जो है रंगमंच के ऊपर अपना जो रोल अदा करके फिर चला जाता है। रंगमंच यह जगत है, और कर्म खिलावन हार, नाना रूप बनाए के, और चेतन खेलन हार। भाई और बहनों, ये चेतन खेलता है इस रंगमंच के ऊपर,
ऊपर, और वो खेलता कैसा है, जैसा उसे कर्म होता है, जैसे कठपुतली को जो डोरा नचाता है वो किसी व्यक्ति जो डोरे से उसको हैंडलिंग करता है, उसी तरह से व्यक्ति को नचाने वाला, व्यक्ति को करने वाला, उसके कर्म होते हैं जो कि जन्मन जन्मांतर के अंदर वो एकत्रित करना करता है, अर्न करता है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो अति संग्रह को छोड़ो, और ये प्रारंभ से बच्चों के अंदर, स्कूल एजुकेशन के अंदर, ये हमारी प्राइमरी सेकेंडरी और मिडिल स्कूल के अंदर, और प्रारंभ से घर के अंदर बच्चों को सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का फॉर्मूला बताना चाहिए। और जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, जो हमारी सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो मूल्य व्यक्ति के अंदर आए, हमें ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कब आएगा कि व्यक्ति जो है भौतिक समृद्धि से अपना ध्यान हटा करके इन मूल्यों की स्थापना के अंदर, या मूल्यों की उसको मूल्यों का मूल्य ध्यान होना चाहिए कि जो हमारे जैसे प्रेम का क्या मूल्य है वो जानना चाहिए, उसके समझ में आना चाहिए। और वो अगर समझना है तो आप जाकर के जो है जेलों के अंदर जाइए, आप जो है हॉस्पिटल के अंदर जाइए जहाँ लोग करा रहे हैं, जहाँ तकलीफ आ रहे हैं, वहाँ हम उसको कंसोलेशन दीजिए। किसी घर के अंदर गमी हो गई है, बेचारी विधवा है, बेचारा गरीब है, उन क्षेत्रों झुग्गी झोंपड़ी है, रहन बसेरा है, और जो ठिठुर रहे हैं लोग सर्दी के अंदर, फुटपाथ पे वहाँ जाइए और आप कंसोलेशन दीजिए, आप प्रेम का पाठ पढ़ाइए उनको, तो कितना आनंद आएगा, वो लगेगा देखिए हमारा सम्मान किया जा रहा है। क्योंकि सम्मान हमारा आत्मा का गुण है, हर प्राणी सम्मान चाहता है, ये सारी सृष्टि सम्मान से बंधी हुई है। और सम्मान हम एक कुत्ता भी आता है, उस कुत्ते को भी पुचकार के हमारे पास बिठाते हैं, उसको हाथ से सलाते हैं, तो वो क्या है कि वो समझता है, वो उसके अंदर ये भावना आती है कि ये देखो मेरा मालिक कितना अच्छा है। घोड़ा हिनहिनाता है, उसका मालिक जो है उसकी सफाई करता है, उसको स्नान कराता है, उसके ऊपर हाथ से सलाता है, तो उसको बड़ा आनंद महसूस होता है। अपने छोटे बच्चे के ऊपर हम हाथ से सहलाते हैं, गोद के अंदर लेते हैं, उसको प्रेम की बात बताते हैं, उसको जो है उसको प्रेम से बात करते हैं, तो उसको कितना आनंद आता है। हमारे भी पेरेंट्स के पास हम बैठते हैं और पेरेंट्स जो है हमसे हंसी मजाक करते हैं और पेरेंट्स हमको तवज्जो, तो कितना आनंद आता है, लगता है कि वास्तव में स्वर्ग है, तो इन माता पिता के चरणों में ही है, उनका जो निस्वार्थ वात्सल्य कितना आनंददायक देता है। तो भाई और बहनों ये इसलिए होता है, और माता पिता की अगर संपत्ति पर हमारी नजर होगी तो कभी भी प्योर वात्सल्य नहीं मिलेगा हमें तो यही रहेगा कि ये बेचारे बुजुर्ग माता पिता कब जाए और उनकी संपत्ति हमको मिल जाए, ऐसी भावना रहती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर एपिसोड है, ये जीवन में धारण करने का है, जीवन में उतारना, ये गले से नीचे जाना चाहिए। अगर कोई भी चीज हमारे गले तक ही है वो हमें लाभ नहीं देगी। कई उपदेश दिए जाते हैं, व्यक्ति यहां सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है। कोई भी एक भी उपदेश आपने भीतर उतार दिया, हृदयंगम कर दिया, आपने आत्मसात कर दिया, तो एक ही आपका जो उपदेश, एक ही टिप है, आपके जीवन की धारा को बदल सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अति संग्रह एक बीमारी है, अति संग्रह जो है एक बहुत बड़ा जो सामाजिक अवगुण है, इसको त्यागना चाहिए, इसके कोई लाभ नहीं है, इससे मात्र जो है अपने अहंकार की पुष्टि के अलावा इसका कोई लाभ नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। ये एक एंडलेस चीज है, इसको रोका जाना चाहिए। ये गुण है जो अपने आप को खाता जाता है और खास करके हमारी प्रसन्नता को लीलता है, हमारे जीवन का मुख्य सार, हमारा नहीं, हर व्यक्ति का नहीं, हर प्राणी जो है वो सुख चाहता है, आनंद चाहता है, जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। जब सुख और आनंद और प्रसन्नता हम चाहते हैं तो अति संग्रह से कहाँ आएगी, क्योंकि वहाँ तो किसी न किसी का शोषण होगा, किसी न किसी के अधिकारों का हनन होगा, किसी न किसी की चीज़ों का एक व्यक्ति संग्रह करेगा उस कारण से होगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये ऐसा विषय है, इस विषय पर घंटों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन मूल है हमारी ये जीवन के अंदर आना चाहिए। और भारतीय संस्कृति के इस बहुत बड़े स्लोगन को व्यक्ति अगर जीवन में धार लेता है तो आज सरकार को व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, और हमारा पारिवारिक दृष्टि से देखें कि सभी लोग सिंपल रहेंगे, सबकी आवश्यकताएं अगर कम होगी तो वास्तव में उनका जीवन धन्य हो जाएगा, बहुत सी सारी चीज़ें जुटानी नहीं पड़ेगी और ये इनके इन प्रकार हमें धन का अर्जन नहीं करना पड़ेगा और हमें कोई बुराइयों से हम बच जाएंगे। हम जो है किसी तरह का
जो अपराध है उन सबसे बच जाएंगे और ये चीजें हमें शांति की ओर ले जाएगा, ये हमारे उत्थान की ओर ले जाएगा, हमारे कल्याण की ओर ले जाएगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसा सुंदर विषय जो है वो बहुत ही कभी कभी आता है और इस सुंदर विषय को आत्मसात कीजिए। और पुनरुत्थान कार्यक्रम आप सभी से निवेदन करता है कि अति संग्रह की भावना का आप त्याग कीजिए और जितनी आपकी बेयर नीड्स है उसका फुलफिल करिए और अपने बच्चों को प्रारंभ से ही अच्छे संस्कार दीजिए। बच्चों को संपत्ति देना जरूरी नहीं है, संस्कार देना जरूरी है। संस्कार सबसे बड़ी संपत्ति होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि पूत कपूत का धन संचय, अगर सपूत होगा तो आपने थोड़ा बहुत दिया है तो कई गुना उसको मल्टीप्लाई कर देगा, और कपूत होगा तो आपने उसको बहुत कुछ दिया है तो वो सारा उड़ा देगा। इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण आता है, मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक पिता के तीन पुत्र थे और पिता ने सोचा कि मेरे तीन पुत्रों की परीक्षा करनी चाहिए कि मेरा उत्तराधिकारी और इसमें से सबसे जो है गुणवान कौन सा व्यक्ति है। तो उन्होंने जो है वो कहा कि हम तो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, तीर्थ यात्रा के अंदर जा रहे हैं, लंबे समय के बाद में आएंगे, तो आपको जो है कुछ हम ये उनके अनाज का काम था। तो उन्होंने तीन ही बच्चों को बराबर बराबर जो है वो अनाज, मान लीजिए गेहूँ दे दिया तो अनाज दे दिया। उन्होंने कहा कि इस अनाज से जो है आप अपना कारोबार करो, उसको विकसित करो। तो माता पिता तो जो है वो चले गए जो है वो सत्संग करने के लिए या कि तीर्थ यात्रा के लिए। तो बड़े वाले बच्चे ने क्या किया कि वो जो जितना भी जो था अनाज उसको जो है धीरे धीरे खा गया, उसने कोई कमाया नहीं और वो समाप्त हो गया अनाज। और दूसरे लड़के ने क्या किया कि वो अनाज था उसकी तरफ देखा ही नहीं और वो अनाज भीतर ही भीतर सड़ करके समाप्त हो गया। और तीसरे ने क्या किया कि उस अनाज को माता पिता के जाते ही जो है बगीचे के अंदर बो दिया, उस अनाज से जो है सैकड़ों गुणा हजार गुणा वो अनाज पैदा हो गया और वो समृद्धि होती गई उसकी, उसने बहुत बड़ी खेती एग्रीकल्चर किया। कहने का अर्थ ये है कि जो सबसे बड़ा छोटा बड़ा लड़का था वो बहुत बुद्धिमान था, परिश्रमी था। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता और आपके प्रति साधुवाद। कार्यक्रम को बराबर देख रहे हो, कार्यक्रम में आप टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे हो, आपके कारण है। कार्यक्रम को देखते रहिए, लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए ताकि हमें भी ये मोटिवेशन मिले कि हम और नए नए एपिसोड्स जो है नए नए विषयों के साथ लेकर के आवें और आपको जीवन की नई नई दिशाएं उद्घाटित करें। आपका जीवन आनंदमय और मंगलमय हो, आपके प्रति शुभकामनाएं।